बिखरी कांग्रेस को जोड़ पाएगी क्या भारत जोड़ो यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज, मैं हूं राजकुमार आपके साथ। पिछले 10 साल से लगातार चुनाव दर चुनाव कांग्रेस हार रही है। इसके अलावा जहां कांग्रेस जीत भी जाती है, वहां पर विधायकों की अंतरात्मा आवाज ने उसे सत्ता से बेदखल कर दिया है। इसके लिए आप चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र, नजर डालते हैं सिलसिलेवार से पिछले 10 साल के चुनावी नतीजों पर। 2012 उत्तराखंड और हिमाचल के अलावा सभी चुनाव कांग्रेस हारी। 2013 कर्नाटक के अलावा सभी हारी। 2014 लगभग सभी चुनाव कांग्रेस हार गई। 2015 बिहार छोड़ सभी चुनाव कांग्रेस हारी। 2016 सभी चुनाव कांग्रेस हार गई। 2017 पंजाब छोड़ सभी हारी। 2018 मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव जीतकर कांग्रेस ने 6 साल बाद चैन की सांस ली। चलो अब जीत तो मिली, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव सहित सभी चुनाव कांग्रेस हारी। इसके बाद 2020 इस वर्ष भी कांग्रेस सभी चुनाव हारी। 2021 फिर कांग्रेस सभी चुनाव हारी। 2022 सभी चुनाव कांग्रेस हार गई। अब जानिए यात्राओं का राजनीतिक महत्व। इसके पूर्व एनटी रामराव ने 1982 में एनटी चौतन्य रथम यात्रा की शुरुआत की और इस यात्रा के परिणाम स्वरूप 1983 में वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए निकाली गई यात्रा का परिणाम है आज भाजपा इतनी बड़ी पार्टी बन गई। इसके पूर्व सभी के मन में दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा को कौन भूल सकता है। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने 15 साल से जमी भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया था। इस यात्रा को लेकर दिग्विजय सिंह ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा बताया था। भारत जोड़ो यात्रा एक नजर में अगर बात करें भारत जोड़ो यात्रा की, तो इसके संचालक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं। इस यात्रा को लीड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। यह यात्रा 3,570 किलोमीटर लंबी यात्रा है जो लगभग 6 माह चलेगी। यह यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगी। इस यात्रा को लेकर इसके संचालक दिग्विजय सिंह का कहना है कि राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह बात वह व्यक्ति बोल रहा है जिनके बारे में उनके भाई लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि दिग्विजय सिंह इट पॉलिटिक्स, ब्रेथ पॉलिटिक्स, ड्रिंक पॉलिटिक्स करते हैं। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर वीडियो हो आपके पास। धन्यवाद। बने रहिए द आजाद आवाज के साथ।